सर क्या हम कितना योगदान दे रहे हैं गेम्स को लेकर के भारत में, ये भी पार्ट हम स्पोर्ट्स टीचर्स पैदा कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। कुछ सर नाम बताएंगे जो हम मेमोराइज। प्रोफेशनल कोर्स एथलीट बनने के लिए नहीं है, टीचर बनने के लिए। टीचर कोर्स है, जैसे बीएड नहीं है आपका, अच्छी जी बीएड है जैसे, वैसे यूपी है। नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। आज हम आपके लिए एक ब्लॉग लेकर के आए हैं, सिंपल ये ब्लॉग है और आप देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये अंतर्गत में आता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के। तो देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा है यहाँ का, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ और आगे आऊँगा। ये पूरा नज़ारा है यहाँ का, ये डिपार्टमेंट है, एक छोटा सा डिपार्टमेंट है जिसको बनवाया था कर्ण सिंह ने, डॉक्टर कर्ण सिंह। तो आज हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं इस डिपार्टमेंट में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस डिपार्टमेंट में आपको स्पोर्ट्स संबंधित फिजिकल एजुकेशन, मतलब आपको पूरे बॉडी का एनाटॉमी और सारी चीज़ें पढ़ाने के जानने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप कोच बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक गेम में आप परिपूर्ण हों, बढ़िया से खेलें, नेशनल लेवल पे खेलें, इंटरनेशनल लेवल पे खेलें, तो आपको यहीं पढ़ने आना पड़ेगा। और ये देखिए पूरा डिपार्टमेंट है कैसा दिखता है, डिपार्टमेंट ये आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये है पूरा डिपार्टमेंट, आप देख सकते हैं, और डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। और मैं आज आपको ये पूरा टूर दिखाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने इंटरव्यू लिया था फिज़िकल एजुकेशन के कुछ छात्र का, जो कि मैं अपलोड करने वाला हूं, जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और ये आप देख सकते हैं, मैं सामने से एक बार आपको दिखाता हूं कि नहीं अंदर से ये डिपार्टमेंट दिखता कैसा है। कुछ इस तरीके का ये डिपार्टमेंट दिखता है अंदर से। और सामने आप देख सकते हैं कि सामने ब्रोचा ग्राउंड है, और इसके बगल में भी इसका ग्राउंड है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का, जिसके नाम पर यह डिपार्टमेंट है। और देखिए ये यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, और ये रहा पूरा डिपार्टमेंट आपके सामने, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। और एक अच्छी गार्डनिंग की गई है। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन जो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंडर में आता है। मैं आपको और भी थोड़ा अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, ये फव्वारे के लिए बना हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। और ये गार्डनिंग ऐसे की गई है, और ये हम खड़े हैं एकदम डिपार्टमेंट के जस्ट सामने, एकदम बिल्कुल सामने, और जाने वाले हैं थोड़ा सा अंदर और बात करने वाले हैं कि अंदर क्या सुविधाएँ हैं, खेल कूद से रिलेटेड क्या सुविधाएँ हैं। ये अगर हम एंट्री लेते हैं अंदर, तो सर्वप्रथम मालवीय जी का यहाँ पे स्टैचू रखा गया है, और इधर कुछ आर्ट बनाए गए हैं। पहले ये देखते हैं कि ये किसने बनवाया इसको। ये कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि ये कर्ण सिंह द्वारा बनाया है, लेकिन आई डोंट नो, अगर कोई इस पे अपना राय देना चाहता है तो एक बार ज़रूर बताए। ये डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसी पेंटिंग लगी हुई है, और बहुत ही शानदार एक अच्छी पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन सिल्वर जुबली, तो ये है डिपार्टमेंट का कुछ माहौल। और
और अभी आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है और अंदर से सारी चीज़ें की जाती हैं। हमने डिपार्टमेंट का एक इंटरव्यू लिया था, डिपार्टमेंट के छात्र का इंटरव्यू लिया था कि किस तरीके से एडमिशन लें, क्या प्रणाली होती है यहाँ पे शिक्षा की, यहाँ से पढ़ने में, यहाँ से पढ़ के आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस तरीके का फ़ायदा उठा सकते हैं। एकेडमिक तो यहाँ पे बहुत ही मजबूत है, शारीरिक शिक्षा को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको तवज्जो भी बहुत दिया जाता है। आप कोच बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देखिएगा। और ये मालवी जी को आप देखिए, काफ़ी अच्छा लगा हुआ है और मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के सामने मालवी जी का होना मतलब काफ़ी अच्छी बात है। और भैया तो बोले कर्ण सिंह ने इसको बनवाया था, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों नाम नहीं दिख रहा? आप देखोगे तब, आप मेरे से मिलते तब ना दिखाता अपना नाम। आओ मिलो, क्या है इसमें, मतलब कुछ एक्सप्लेन करेंगे सर इसमें? आप दिखा रहे हैं, आओ अंदर आओ। प्रोफेसर करण सिंह को जानते हैं आप? अच्छा, ये सबसे ऊपर लिखा है 7/11/1972। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। अरे हम भी नहीं पैदा हुए थे भाई। आप भी नहीं, तब का ये डिपार्टमेंट बना है, तब की इसकी नींव रखी जा रही थी। तो सर ये कर्ण सिंह सर कोई एथलीट भी थे सर की? एथलीट थे, प्रोफेसर, बहुत इंटरनेशनल एथलीट निकाले। अच्छा, किस किस उसमें थे? एथलेटिक्स में थे यहाँ पे। किस डिसिप्लिन में वो सीख रहे थे, मतलब क्या उनका स्पोर्ट क्या था? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। और रुचि किस में थी? बहुत बड़े, मैंने 400 मीटर में बहुत अच्छे रनर थे खुद भी, और उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट्स बना किए। और सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, जैसे हम अगर ग्रेजुएशन में यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो? कोचिंग ग्रेजुएशन 50% मार्क्स और अपना एंट्रेंस टेस्ट, वो हमको छात्र बता रहे थे सर, हमको छात्र ने बताया कि यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। बीपीएड में ग्रेजुएशन ऐसा क्यों रखा जाता है सर? ऐसा नियम है भाई, एनसीटी का, यूजीसी का नियम है, हमारा थोड़ी है। तो ये बीपीएड कोर्स भी ग्रेजुएशन ही है ना? हाँ, ग्रेजुएशन। तो ये डबल ग्रेजुएशन हमारा, लाइक बी एड। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद आपको फिर एक एथलीट बनने, प्रोफेशनल कोर्स, एथलीट बनने के लिए नहीं, टीचर बनने के लिए, टीचर कोर्स है, जैसे बीएड नहीं है आपका। अच्छी चीज, बीएड है जैसे, वैसे ही बीपीएड। तो सर क्या हम कितना योगदान दे रहे हैं गेम्स को लेकर के भारत में? हम स्पोर्ट्स टीचर्स पैदा कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। कुछ सर नाम बताएंगे जो हम मेमोराइज कर पाए, लोगों को कनेक्ट कर पाए? और ये देखो ना, इतने सारे नाम हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, देखो। अच्छा, प्रोफेसर करण सिंह का लिखा हुआ है, और दूसरे नंबर श्याम सुंदर शर्मा। प्रोफेसर कर्ण सिंह की ये तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ के सारे फैकल्टीज हैं जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। ये वाली फोटो के लिए लुटा, ये फोटो जो तीनों हैं, नहीं ये तो ले दो। और यहाँ बीसी कापरी सर का भी फोटो लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये फोटो काफी प्रीसियस है। सर आप इस फोटोज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कौन कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमको पद्मश्री अवार्ड दिया, कर्ण सिंह जी को। अच्छा अच्छा, ओके, कर्ण सिंह सर हैं। अभी हमारे वाइस चांसलर भी आए हैं, उनको भी, इनको भी पद्मश्री मिला है। तो सर आप भी एलुमनाई रहे होंगे बीएचयू के? नहीं, मैं बीएचयू का हूं, मेरे तो नहीं। अच्छा, आप बीएचयू के एलुमनाई नहीं हैं? नहीं, बीएचयू का एलुमनाई तो नहीं हूं, लेकिन मैंने पढ़ाई वहां से करी जहां से कर्ण सिंह सर। सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जी 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 जी, अभी वो लड़का जिक्र कर रहा था जिसका हम लोग, एशिया का टॉप इंस्टीट्यूट है। अच्छा, वहीं से हम लोग सब पढ़े हुए। अच्छा अच्छा सर।